अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, हर बार की तरह से एकदम अलग रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त ये लेकर आए हैं सोया चंक्स की रेसिपी। ये हम बॉइल के लिए डालेंगे, इसमें नमक डालें, पानी डालें, सोया चंक्स डालें। इसको बॉइल करने से क्या होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और सोया चंक्स मुलायम हो जाएगा। आप इस तरीके से बनाएंगे, चिकन मटन खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इसको हमें बॉइल कर लेना है, एक बॉइल आ जाए फिर इस पर आप उतार लीजिए। उसको ठंडे पानी से धो कर भी उसको हमें पानी एकदम देखिए निकाल लेना है, ऐसे दबा दबा के एकदम से पानी निकल जाएगा। इस तरीके से सारा कर लेंगे। फिर एक बर्तन में डालेंगे हम सोया चंक्स, फिर इसमें डालेंगे फिर 3 चम्मच दही डालेंगे, 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे, जैसे कि हल्दी डालने से अच्छा कलर आएगा। फिर 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, इस तरीके से। फिर थोड़ा से गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, फिर 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, फिर अच्छे थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालिए क्योंकि नमक डाल के हम बॉयल भी किए थे, अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके बनाने से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत लाजवाब बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। फिर हम एक पैन लिए, पैन में तेल डालें, फिर इसमें थोड़ा सा जीरा 1/2 चम्मच डालेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे 2 चम्मच के करीब। फिर इसको अच्छे से हम भून लेंगे। फिर जो प्याज 2 मीडियम काट के रखे थे वो डाले हैं। फिर इसमें 7 से 8 हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम 2 टमाटर काट के रखे थे वो डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से हमें भून लेना है, प्याज जब तक हमारी गोल्डन ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनते रहना है। और इसको तेज़ आंच पे रखिएगा क्योंकि तेज़ आंच पे जल्दी होगा और तेज़ आंच पे जल्दी टमाटर गलेगा और प्याज होगी हमारी। और फिर इसमें हरी धनिया हम डाल देंगे, इसको भी डाल के अच्छे से भून लेंगे क्योंकि हरी धनिया भी नमक है। इसको डाल के अच्छे तरीके से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। बस ये प्याज ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। फिर इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए बंद करके जार में ठंडा हो गया है। फिर हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए बारीक से मसाला हमारा रेडी हो गया है। फिर एक पैन लिए, पैन में 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 दालचीनी डालेंगे, ये देखिए फिर 4 से 5 काली मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से थोड़ा से भून लेंगे। भूनने के बाद जो हम मसाला पीसे थे वो पीस के इसमें डाल देंगे पैन में, इस तरीके से। ये देखिए मसाला भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। ये मसाला अच्छे से भून रहा है। फिर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, चला लीजिएगा। फिर इसके बाद सोया चंक डालेंगे हम इसमें। ये मसाला भून चुका है। फिर जो सोया चंक रखे थे मैरिनेट के लिए वो डालेंगे। इसको डाल के अच्छे से हमें भून लेना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और एकदम जैसे लगता है चिकन और मटन खाना ही बिल्कुल भूल जाएंगे। जैसे आप इसको तेज़ आंच पे रख के थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखिए तेज़ आंच पे थोड़ा मसाला अच्छे से हो जाए हमारा। फिर इसके 1 कप के करीब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए पानी डाल के इसको फिर हम 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम धीरे आंच करके इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से हो रहा है, ये देख रहे हैं।
बहुत ही अच्छे से हमारा ये रेडी हो रहा है। ये देखिए हमारा हो चुका है। इसको बस 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे रख देंगे और इसको ज़रूर ट्राई करके। ये देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये देखिए 5 मिनट मेरा हो चुका है। फिर से ये देख रहे हैं बहुत ही लाजवाब बना है। इसको ज़रूर ट्राई करिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।